और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट बार में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन की जीतने की खुशी में फायरिंग की गई है। वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जिन वकला के खिलाफ दर्ज किया गया है उनमें समीर अरशद हैं, राफे हैं और फहद समेत दीगर चार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुकीत मलिक से। जी मुकीत, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार में गुज़िश्ता रात जीत की खुशी में हवाई फायरिंग की गई और उस हवाई फायरिंग के नतीजे में जो CPO फैसलाबाद अफजाल अहमद कोसर है उन्होंने नोटिस लिया था इस वाके का, और नोटिस लेने के बाद आज सुबह से कार्रवाई में आई है कि जो चार नामालूम अफराद के समेत जो है वो समीर, इरशाद, फहद और राफे ये जो वकील हैं इनके खिलाफ जो है वो थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चूंकि CPO ने खुद इसका नोटिस लिया था इसलिए उन्होंने अपनी मदईयत में ये जो मुकदमा है दर्ज करवाया है, और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इनको कर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये एक इस पर पाबंदी है हवाई फायरिंग पर, और लेकिन जीत की खुशी के बाद उन्होंने हवाई फायरिंग की और हवाई फायरिंग के नतीजे में अब ये जो तीन जो सामने आए और चार नामालूम अफराद जो हैं वो भी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिनको भी फौरी तौर पर जो है वो पता चला लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मुकीत अपडेट करने के लिए।